हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास नर्सरी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश पार्ट 31, कैपिटल लेटर्स ए एंड वी। क्या सीख रहे हैं आज? कैपिटल लेटर्स बनाना सीखेंगे। अब लाइनों के थ्रू आने लगे सारे लेटर बनाना। अब हम आप आज हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाने वाले हैं? ए एंड बी, मतलब ए तो लाइनों से पहले आता था बनाना, अब बी जो कर्व के थ्रू बनेगा। किस तरीके से? इस तरीके से आप पॉइंट्स लगाएंगे, बच्चों को देंगे बनाकर, फिर ये इस पॉइंट से वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन और बीच में दोनों स्लैंटिंग लाइन को वन स्लीपिंग लाइन से ऐड करते हुए ओ ए। ये तो आता था हमें बनाना। अब आता है बी, वन स्टैंडिंग लाइन। वन स्टैंडिंग लाइन में फर्स्ट कर्व, फिर देन सेकंड कर्व, इस तरीके से आएगा बी। ए एंड बी एक बार रिपीट कराती हूँ। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, सेकंड ओ सॉरी स्लैंटिंग लाइन, फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन एंड सेकंड स्लैंटिंग लाइन, दोनों स्लैंटिंग लाइनों को ऐड करते हुए विथ स्लीपिंग लाइन बन गया आपका ए। ए फॉर एप्पल। बी, बी फॉर बॉल। बॉल कैसे बनेगा? वन स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट कर्व, देन अनादर कर्व। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या ए एंड बी हम बनाना सिखाएंगे अपने बच्चों को। कंप्लीट प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कराएंगे, दो से तीन, तीन से चार पेजेस कंप्लीट कराएंगे ताकि उनकी फिनिशिंग एंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट आए। ओके, थैंक यू।